देश ने हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर का सामना किया है, जिसमें कई लोगों ने अपनों को खो दिया और अब कोरोना की तीसरी लहर के आने का भी खतरा बना हुआ है, जिसके बाद से कुछ लोगों ने कोरोना और मौत के डर से घर से बिना वजह बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन इस बीच आंध्र प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको इस वीडियो में। दरअसल हाल ही में आंध्र प्रदेश की पुलिस ने एक ऐसे परिवार को बचाया जिन्होंने कोरोना संक्रमण और मौत के डर से खुद को 15 महीने से एक छोटी सी झुग्गी में बंद कर लिया था। उनके मन में इस बात का डर बैठ गया था कि बाहर निकलते ही कोरोना से संक्रमित होने के कारण उनकी मौत हो जाएगी। मामला आंध्र प्रदेश के कदाली गांव का है। गांव के सरपंच के मुताबिक पड़ोसी की कोरोना से मौत के बाद 50 साल के जॉन बैनी, 45 वर्षीय पत्नी रुथामा और 3 बच्चों ने खुद को घर में बंद कर लिया था। परिवार का एक सदस्य ही सिर्फ जरूरत का सामान लेने बाहर जाता था, बाकी सभी 15 महीने से घर से बाहर ही नहीं निकले। ईस्ट गोदावरी पुलिस ने तीनों महिलाओं को रेस्क्यू किया है जिन्होंने डर के मारे खुद को एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर लिया था। ये तीनों महिलाएं पिछले साल कोरोना महामारी के शुरुआत से डर के कारण घर में बंद थी। यह मामला तब सामने आया जब एक वॉलंटियर सरकारी स्कीम के तहत होने वाले आवासीय प्लॉट के आवंटन के लिए उनके घर गया था, जिसके बाद वॉलंटियर ने गांव के सरपंच और अन्य लोगों को पूरे मामले से अवगत कराया। मामले की खबर मिलते ही गांव के सरपंच ने इस बात की जानकारी लोकल पुलिस को दी, जिसके बाद ईस्ट गोदावरी पुलिस ने तीनों महिलाओं को रेस्क्यू किया और उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल में ले जाया गया जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि परिवार की हालत बेहद खराब थी और कई दिनों से इनमें से ना तो कोई नहाया था और ना ही किसी ने बाल कटवाए थे।